Assalamu alaikum, Dr. Faraz. This one is specially for you. This is a place jo maine aapse kaha tha I'm going to visit. Minapin, yeah, it's a Pissan cricket stadium ke naam, so you can search it on Google map, whatever. So amazing place hai aur aapko abhi interest pe hi dur se dikha raha hu ki matlab kitni ek wide surface hai. Hum achhi khasi height pe hain. Main koshish karunga wapsi pe jaate hue track ke kuch images aapko dikhaun, aapko idea ho jayega ki kitni height gain ki hui hai aur uske upar jaake itna ek vasi ground aapko plain mil jaye aur ye naturally hai, baad mein thoda sa maintain kiya gaya. So amazing hai, khuda ki kudrat hai aur isko maintenance ke andar hi kuch benches aur kuch sheds banaye hue hain aur proper wo flags wagaira ke liye unhone unke rods aur is tarah ki cheeze bhi lagi hui hain aur isi ke bare mein maine suna hai ki PCB isko visit kar chuka hua. कैमरा ऐसा सच इतना क्लियर आपको इमेज नहीं दे सकता क्योंकि अभी आते हुए KKH पे बड़े बुरे तरीके से मेरा फ़ोन गिरा काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पे. थैंक गॉड के ऊपर से गाड़ी नहीं गुजर गई क्योंकि बिल्कुल सेंटर ऑफ द रोड पड़ा हुआ था वो और लेंस के ऊपर अच्छे खासे स्क्रैचेस आ गए हैं. और हमारे यहाँ पहुँचने से पहले दो कोई लॉरी किस्म के बाइकर्स जिनकी बाइक्स खड़ी हैं और साथ में तीन हम लोगों की ऐड हो गई हैं. सो अभी एक ऊपर चढ़ के आपको थोड़ा सा एक एरियल व्यू देने की कोशिश करता हूँ स्टेडियम की, किस कदर खूबसूरत लगती है ये जगह. उससे पहले आपको राइट साइड पे एक चेक इट आउट, ये एक रॉक की एक अच्छी खासी ऊंची दीवार है जिसके नीचे ऐसा देख के खौफ आता कैमरा, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि वो एज सच को एक इमेज शो कर सकता है जो आप रियलिटी के अंदर उस जगह को फील करते हैं. ऐसे लगता है जैसे दीवार आपके ऊपर ही आने लगी है. अल्लाह माफ करे. सो ये समझ लें ये कुछ माली छोड़े हुए हैं जो यहाँ की ग्रास को बड़ा नहीं होने देते और साथ में खाद भी लगाते रहते हैं. एंड द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अमेजिंग थिंग अबाउट दिस ग्राउंड जो अभी मैंने रिवील नहीं की आपको फ्रंट पे, अगेन कैमरा शायद उस तरीके से फोकस ना करे, बट ये बहुत नज़दीक है, हम राकापोशी के दामन में हैं. दिस इज अमेजिंग व्यू और फुल बर्फ से ढकी हुई है, उसके ऊपर बादल हैं जो टॉप पीक आपको इस टाइम नज़र नहीं आ रही, बादल हटेंगे तो मैं शायद कोई इमेज वगैरह लेके डालूंगा. दिस इज राकापोशी, एक अच्छी कूल ब्रीज जब उस तरफ से एयर आती है तो अमेजिंग है, फील ही रहता है यहाँ पे. So I am at the highest point, almost at the highest point of the stadium, जो उसकी left side की wall है या पहाड़ी है. So ये ऊपर से aerial view पूरे ground का आपको अंदर गाय जो हैं जानवर जितने भी हैं उनके साइज से थोड़ा सा इस ग्राउंड की रेडियस का उसके पूरे डायमीटर का अंदाजा हो जाएगा. स्टेडियम साइज आई है, अमेजिंग है, नेचर ही है, बस थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ. मतलब इतनी हाइट पे आने के बाद ऊपर आपको एक प्लेन ग्राउंड मिले, दिस इज अमेजिंग. और इसके फ्रंट पे राकापोशी जो कि इस वक्त बादलों से ढकी जा चुकी है, कोशिश करूँगा बाद में कैसा क्लिप कैप्चर कर सकूँ या कोई इमेज ऐड कर दूँ बीच में जो सनलाइट में था. अब उसकी पीक नहीं पता चल रही क्योंकि उसके ऊपर बादल हैं सब, अमेजिंग है ये उसका सारा दामन, ये पूरा वो ग्लेशियर और ये वहाँ से फ्लोट करता हुआ ये इस पहाड़ी की बाइक पे, ये जितना आपको इस वक्त सिर्फ पहाड़ या ये मलबा लग रहा है, दिस इज़ अ ग्लेशियर. ये सारी बर्फ है इसके नीचे जो लैंड स्लाइड करते हुए सारी ऊपर से ले आई मिट्टी और पहाड़ वगैरह, ये डेफिनेटली आपको जितनी ये पहाड़ी नज़र आ रही है ये सारा ग्लेशियर है. इसके नीचे आपको पानी बकायदा फ्लो होने की उसकी फ्लोटिंग की आवाज़ आ रही है और जैसे जैसे वो बर्फ़ पिघलती है स्टोन वास्कत कितने ऊपर से नीचे रोल होते हुए बाद में बकायदा आवाज़ आती है, बड़ी एक अजीब सी जब हम छोटे कुछ गिर रहे थे, छोटे मोटे कंकर अगर कुछ देर वेट कर पाते हैं इस ग्लेशियर की लेंथ वहाँ तक है. देखने में शायद आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि ये ग्लेशियर है कि क्या बोंगी मार रहा है, बट जब आप मेरा हॉपर ग्लेशियर वाला क्लिप देखेंगे
और बहुत देख के बाद वाला क्लिप तो आपको डेफिनेटली अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी बर्फ पड़ी है, क्योंकि सारा साल जमी रहती है इसी तरह, और उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर आ गई, वहाँ से स्टार्ट होता और उसके टेल एंड खुदा जाने कहाँ पे जाके होता नीचे।